18 माह से तनख्वाह ना मिली तो एनटीएस पास टीचर्स के सबर का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने एहतजाजी धरना देने का फैसला करते हुए सिंध सेक्रेटरीट का रुख किया और शदीद नारेबाजी की। असातिज़ा का कहना था कि ड्यूटी तो पूरी कर रहे हैं मगर तनख्वाहें नहीं दी जा रही। सारे के सारे मास्टर्स हैं जिनको इन्होंने रखा है, उसके बावजूद इन्होंने सैलरी देने के नाम नहीं है इनको। जब से हमारी पोस्टिंग हुई है हर महीने कोई ना कोई बहाना। अभी तक हमें सैलरी जारी नहीं की, आगे रमजान का महीना आ रहा है, इतनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें हो सकती है, बच्चे हैं हमारे, रेंट के घर हैं, इनको कुछ ख्याल ही नहीं है। गर्मी में एहतजाज करती खवातीन असातिज़ा ने गर्मी से बचाव के लिए भी खूब जतन किए। किसी ने छतरी तले छांव का सहारा लिया तो किसी ने ठंडी ठार कुल्फी के मजे लिए। जब किसी को ख्याल ना आया तो असातिज़ा की जानिब से सिंध सेक्रेटरीट में दाखिल होने की कोशिश की गई, जिस पर बदमजगी देखने में आई। 3 घंटे गुजरने के बाद डायरेक्टर स्कूल मंसूब सद्दीकी असातिज़ा के मसाइल हल करने पहुंचे और बिलाखिर असातिज़ा को रमजान से कबल तनख्वाहें देने की यकीन दहानी करवा दी गई। एनटीएस पास टीचर्स की जानिब से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद धरना खत्म कर दिया गया, मगर टीचर्स का कहना है फौरी तौर पर तनख्वाहें फराम ना की गयी तो दोबारा धरना दिया जाएगा। कैमरामैन बिलाल नियाज़ी के साथ रबिया खान, 24 न्यूज़, कराची।